नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो रेलवे NTPC एग्जाम 2020-21 के ऑल 125 पारी में पूछे गए करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे, उसमें से अब तक आपके पांच पार्ट में 390 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। ये इसका पार्ट 6 रहेगा जिसमें अपन और 110 सवाल कवर करने वाले हैं। वैसे ये 500 क्वेश्चंस की सीरीज थी, लेकिन जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस वहाँ से ले रहा हूँ तो अभी लगभग एक पार्ट और बन जाएगा, यानी टोटल 600 क्वेश्चंस में ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट पार्ट है वो कल आपको मिल जाएगा, उसके बाद PDF फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी करंट अफेयर्स है वो अपडेटेड फैक्ट हैं, अभी जो जुलाई 2021 तक के जो आने वाले ग्रुप डी NTPC CBD 2 एग्जाम है इनके लिए काफी फायदेमंद होने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक, ये पार्ट कवर करें या फिर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए ऑल इंडिया में क्या रैंक आ सकते हैं एग्जाम से पहले ही देखने के लिए, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना हो, टाइम मैनेजमेंट हो, इन सभी के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये सभी चीज़ों में सुधार है वो जल्दी आपको मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है सभी एग्जाम्स के एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। जैसे कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ SSC की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हो, तो इन सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत जो भी आपके लिए सूटेबल पास है उसमें यदि आप TTJK के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो एक्स्ट्रा ₹40 का और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप टेस्ट बुक ऐप से ये TTJK के कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम में जो आपको डैशबोर्ड और पैटर्न देखने को मिलता है सेम इंटरफेस से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं पार्ट 6 में। देखिएगा पहला सवाल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है भारत में सबसे ज़्यादा किस देश का होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौन सा देश इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, तो 2021 की बात को तो सिंगापुर है, 2020 में भी सिंगापुर था, इससे पहले 2020 में मॉरिशस सेकेंड था, अभी 2021 में मॉरिशस के स्थान पर सेकेंड आ चुका है USA, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट स्थान पर जो आपको पूछे हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे ज़्यादा निवेश है वो सिंगापुर करता है भारत में, सेकेंड USA, अभी वर्तमान में थर्ड स्थान पर मॉरिशस, फिर आपके संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ने किस दशक को अंतरराष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक है ये मनाने की घोषणा की थी, तो वो दशक था आपके 1981-82 वाला, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने ये दशक इंटरनेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेड के रूप में मनाने की घोषणा की थी 1981-90 के दशक की। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इनके द्वारा वर्ष 2003 को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष घोषित किया गया था। तो जब स्वच्छता की बात आई है वाटर की, तो स्वच्छ जल वर्ष जो अंतरराष्ट्रीय घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वो वर्ष 2003 को घोषित किया गया था। इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर लाइफ है, ये 2005 से 2015 तक का दशक है, इसको इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर लाइफ है वो नाम दिया गया है। मार्च 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2018 से 2028 तक का दशक है ये वाटर एक्शन डिकेड का घोषणा की गई है, तो ये भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आपको पूछ लो 2018 से 28 तक का दशक किस रूप में घोषित है, तो ये वाटर एक्शन डिकेड के रूप में घोषित किया गया है। अन्य बात करूँ 2021 से 2030 तक का यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन है, ये 2021 से 2030 तक का या फिर 31 तक का जो दशक है वो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, ये सभी यूनाइटेड नेशंस के इंपोर्टेंट डिकेड हो जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 2019 में जलवायु आपातकाल कौन से देश ने लगाया था, तो 2019 में जो जलवायु आपातकाल लगाया था वो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लगाया गया था। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने वर्ष 2019 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज यानी स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इससे पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष वो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के द्वारा घोषित किया गया था, और इसी के द्वारा 2020 का जो वर्ष है इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ वाला घोषित किया गया है इस टाइटल से। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ और किस देश ने मालाबार नौसैन्य युद्ध अभ्यास में भाग लिया है, तो चार देश हैं इसमें आपके, भारत हो जाएगा और किस देश के केस में, बाकी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, याद रखिएगा भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने ये दोस्तों जो मालाबार नौसैन्य युद्धाभ्यास है इसमें हिस्सा लिया है, जो कि पहला चरण हुआ था 3 नवंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी के विशाखापट्टनम में, तो ये चार देश जरूर याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, 2018 में एलोन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स ने BFR रॉकेट का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो स्टारशिप इसका नाम चेंज किया गया है। स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है इनके द्वारा 2018 में BFR रॉकेट का नाम बदलकर स्टारशिप किया गया है। मैं आपको बताऊँ फाल्कन 9 रॉकेट आपको
पता ही होगा, जो स्पेस एक्स के द्वारा 143 सैटेलाइट्स का एक साथ रिकॉर्ड बनाया गया था, इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा गया था 104 सैटेलाइट वाला, तो ये वो फाल्कन रॉकेट से ही किया गया था। तो ये डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर है वो स्पेस एक्स के द्वारा ही किया गया है, कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट में। फाल्कन 9 इसका नाम है, वो काल्पनिक स्टार वार्स अंतरिक्ष यान मिलेनियम फाल्कन और रॉकेट के पहले चरण के 9 मर्लिन इंजनों से लिया गया है। नेक्स्ट वन देखिएगा, 2019 सुद्रीमन कप चीन ने किस देश को हराकर जीता था, तो आप कहेंगे जापान को। सुद्रीमन कप 2019 में जापान को जो हराया था, या फिर उप विजेता जापान रहा था और चाइना है वो विजेता रहा था। और ये हुआ कहाँ पर था, तो ये नैनिंग चाइना में आयोजित हुआ था। और ये सुद्रीमन कप आपको पूछ ले किस खेल से संबंधित, तो आप कहेंगे बैडमिंटन की ये चैंपियनशिप है। 2021 में ये वंटा फिनलैंड में होने वाला है। नेक्स्ट में देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल लिटरेचर डे है 8 सितंबर, याद रखना है 8 सितंबर को मनाया जाता है। और बात करूँ यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को जो 14वां सेशन था यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का, इसमें इसकी घोषणा की गई है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने की। और फर्स्ट टाइम ये 1966 में तो घोषणा हुई थी, और 1967 में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। 2020 में जो 8 सितंबर 2020 को ये मनाया गया, तो इसकी थीम क्या रही 2020 में, तो ये रही है लिटरेचर टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड है, ये 2020 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक आपको पूछा है, तो 2020 में भारत की रैंक की बात करूँ ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स में वो है दोस्तों 94th रैंक है, आउट ऑफ 107 देशों में से इंडिया की रैंक रही है दोस्तों 94th है। 2019 में भारत की रैंक थी 102वीं, लेकिन वो थी 117 देशों में से, ये आपको जरूर कंसीडर करना है। 2019 में रैंक 117 देश थे, अभी यहाँ पर 2020 में 107 देशों में से भारत की रैंक है 94th है, स्पेशली ये किस में है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, फर्स्ट रैंक पर है, तो 17 देश फर्स्ट रैंक पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इन 17 देशों में से चाइना, बेलारूस, यूक्रेन, आपके टर्की हो गया, क्यूबा है, कुवैत है, ये सभी देश भी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी दिवस समारोह पर पेरिस जलवायु समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो पृथ्वी दिवस समारोह पर जो पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था वो 22 अप्रैल 2016 को हुआ था। कब हुआ था, 22 अप्रैल 2016 जो पृथ्वी दिवस रहता है, और प्रभावी हुआ था ये 4 नवंबर 2016 से। नेक्स्ट वन देखिएगा, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है, विश्व विद्यार्थी दिवस है 15 अक्टूबर, याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बर्थडे के दिवस को मनाने के लिए 15 अक्टूबर को एज ए वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी घोषणा कब हुई है, तो 2010 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। याद रखना है 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, 9 डॉट्स प्राइज 2019 किसे दिया गया था, तो भारतीय लेखिका एनी जैदी को दिया गया है। ये पुरस्कार उनकी जो प्रविष्टि है ब्रेड सीमेंट कैक्टस के लिए उन्हें मिला था एनी जैदी को। बर्लिन स्थित पत्रकार ट्रिस लॉरेंस दामेन का इनको 2021-22 9 डॉट्स प्राइज के लिए विजेता के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, 2019 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुई है, तो 2019 में न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये हुआ है क्लाइमेट एक्शन समिट। ठीक है, इसकी थीम थी ए रेस वी कैन विन। 2021 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो COP26 है ये ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में होने वाला है, तो 2019 में न्यूयॉर्क में हुआ था, 2021 में ग्लासगो यूके में। नेक्स्ट वन देखिएगा, भारत की सबसे युवा 21 वर्षीय मेयर जिनका नाम है आर्या राजेंद्रा, ये कहाँ से हैं, ठीक है, पूछा है ये कौन सी नगर निगम की मेयर है, तो भारत की जो सबसे युवा 21 वर्षीय मेयर, इनका एग्जाम में नाम पूछ लें कि सबसे युवा मेयर कौन है, तो आर्य राजेंद्र आप कहेंगे। वो कौन से क्षेत्र से, तो तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन, मेयर ऑफ तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन केरला से ये। इन्होंने नगर निगम के मुडवान मुगल वार्ड से स्थानीय निकाय का चुनाव जीता था, तो नाम है आर्या राजेंद्रा। उज्जैन में अगला कुंभ मेला कब आयोजित होगा, तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले कब हुआ था, ठीक है, तो 2016 में हुआ था, और 12 वर्ष के अंतराल में होते, तो आप 12 वर्ष ऐड करेंगे तो 2028 में उज्जैन में नेक्स्ट कुंभ मेला होता है, प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष के अंतराल में रहता है। कुंभ मेला जो हरिद्वार में 2021 में हुआ है गंगा नदी के तट पर है, उज्जैन का कुंभ मेला है ये शिप्रा नदी पर होता है, ठीक है, ये आपको स्पेशली याद रखना कौन सी नदी पर कौन सा कुंभ मेला, जो चार स्थान पर होता है। प्रयाग कुंभ मेला
है, ये जो संगम रहता है प्रयागराज में कहाँ पर, तो आपकी गंगा यमुना सरस्वती रिवर का जो संगम है वहाँ पर, इलाहाबाद प्रयाग का जो कुंभ मेला है ये नेक्स्ट कब होने वाला है, तो नेक्स्ट देखिए 2025 में पूर्ण कुंभ या फिर महाकुंभ मेला होगा। इससे पहले 2019 में ये अर्ध कुंभ मेला हुआ था जरूर प्रयागराज में, और ये तीन नदियों के संगम पर होता है। बाकी नासिक का कुंभ मेला है नेक्स्ट आपके 2027 में होगा, इससे पहले 2015 में हुआ था, नासिक गोदावरी नदी पे तट पर होता है। प्रत्येक स्थान पर मैंने बताया 12वें वर्ष पर कुंभ मेला लगता है, लेकिन एक अर्ध कुंभ भी रहता है जो प्रयागराज में रहता है। अगला सवाल देखिएगा, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे, और विश्व खाद्य फूड दिवस है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे और खाद्य वर्ल्ड फूड डे है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अप्रैल 2019 में मीना कुमारी मैसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? मीना कुमारी मैसनम ने जो कौन से स्पोर्ट में स्वर्ण पदक जीता था अप्रैल 2019 में, तो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जो कोलोन में हुई थी, तो कॉलोनी जर्मनी में ये आयोजित हुई थी, तो इन्होंने बॉक्सिंग में कौन से स्पोर्ट में, तो आप कहेंगे बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था मीना कुमारी मैसनम है 54 किलोग्राम भार वर्ग में, तो इनका स्पोर्ट जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हम देखिएगा, अक्टूबर 2020 तक किम जोंग उन किस देश के सुप्रीम लीडर हैं? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा किम जोंग उन हैं, ये नॉर्थ कोरिया उत्तरी कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। 2011 से वर्तमान तक किम जोंग उन सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। इससे पहले किम जोंग इल थे 1941 से लेकर 2011 तक रहे थे, अभी वर्तमान में वहाँ के राजा हैं किम जोंग उन 2011 से। फर्स्ट किम इल संग इस प्रकार 1912 से थे ये। अगला सवाल, 2019 लोकसभा चुनाव कुल कितने चरण में संपन्न हुआ था? तो टोटल 7 चरण में वोटिंग हुई थी, 70वीं लोकसभा, ये आगे सवाल भी आएगा, 2019 लोकसभा चुनाव है ये, 70वीं लोकसभा की टोटल 543 सीटों में से 542 सीटों पर टोटल 7 चरण में मतदान हुआ था। एक आप कहेंगे सीट पर कौन सी पर नहीं हुआ, तो तमिलनाडु की वेल्लोर सीट पर नहीं हुआ था, और 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच में ये 7 चरणों में आयोजित हुए थे इलेक्शन। तो 11 अप्रैल से 19 मई के मध्य 7 चरणों में हुए थे, और चुनाव का जो रिजल्ट आया था वो 23 मई 2019 को आया था, जिसमें बीजेपी 303 सीट जीती थी, यानी आप कह सकते हो 37.36% वोट शेयर था। एनडीए की टोटल यहाँ पर गठबंधन की आई है बीजेपी वाले की 353 आई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो आईएनसी के पास आई है 52 सीट है। थर्ड स्थान पर जो पार्टी रही द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम यानी डीएमके पार्टी के पास 23 सीट आई थी। केंद्र सरकार ने कब तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य केंद्र सरकार के द्वारा 2030 तक रखा गया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं तो आरएनटीसीपी ने 2025 तक भारत में टीबी के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए तपेदिक 2017-2025 के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना जारी की थी। तो टीबी उन्मूलन के लिए या फिर पूरी तरीके से खत्म के लिए कंट्रोल करने के लिए 2025 तक का लक्ष्य है, और आपकी मलेरिया के लिए 2030 तक का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से इसकी शुरुआत की गई थी। G20 2019 समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो G20 2019 में जो स्टेट लीडर की समिट का आयोजन है वो जापान ओशका जापान में हुआ था 28-29 जून 2019 को, ये 14वीं समिट है। नेक्स्ट जो 15वीं समिट हुई थी नवंबर 2020 में, सऊदी अरबिया के रियाद में हुई थी, और 2019 में जापान ओशका में, 2020 में सऊदी अरबिया रियाद, 2021 में रोम इटली में, 2022 में है इंडोनेशिया में होगा लगुआन बाजो इंडोनेशिया में, 2023 में है ये 18वीं समिट होगी स्टेट लीडर की 2023 में, ये कहां पर होने वाली इंडिया में। दिसंबर 2020 तक भारतीय नेशनल फील्ड हॉकी टीम के कोच कौन हैं? तो फील्ड हॉकी टीम के कोच वर्तमान में ग्राम रेड हैं। कप्तान कौन है भारतीय हॉकी टीम के? मनप्रीत सिंह हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हो जाएंगे ज्ञानेंद्रो निगोम्बेम हैं। इंडियन नेशनल जो फुटबॉल टीम है इनके कोच कौन है? तो पुरुष टीम फुटबॉल पुरुष टीम भारत की राष्ट्रीय टीम है जो इगोर स्टीमेक इनके कोच हैं। कप्तान सुनील छेत्री हैं। इंडिया की नेशनल क्रिकेट टीम के कोच की बात करें तो रवि शास्त्री हैं। तो हॉकी का पूछा था ग्राम रेड, फुटबॉल का पूछ ले तो इगोर स्टीमेक, और क्रिकेट का रवि शास्त्री, पता ही है आपको। अर्थ आवर की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहेंगे 2007 में, अर्थ आवर की शुरुआत 2007 में हुई थी। स्टार्ट किया गया था एज ए लाइट ऑफ इवेंट के रूप में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 2007 में। ये क्या है अर्थ आवर? तो वैश्विक आंदोलन जिसके अंतर्गत तो विश्व भर के ऊर्जा मामलों पर चिंतित व्यक्ति हर वर्ष क्या करता है, मार्च के एंड में यदि 27 या फिर 28 मार्च को स्थानीय समय के अनुसार शाम 8:30
से 9:30 बजे तक घर, मोहल्ले, दफ्तर और अन्य स्थानों पर विद्युत का प्रयोग बिल्कुल बंद करके केवल मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं। ये मार्च एंड में किया जाता है। वैश्विक आंदोलन जिसके अंतर्गत विश्व भर के ऊर्जा मामलों पर चिंतित व्यक्ति हर वर्ष ये प्रयास करते हैं। तो 2007 से इसे अर्थ ओवर के रूप में कहा जाता है, 1 घंटे 8:30 से 9:30 के मध्य, और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है जो कि स्पिट्सबर्गेन स्वालबार्ड नॉर्वे में स्थित है। तो ये जो दोस्तों भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है जो नॉर्वे में स्थित है, स्वालबार्ड नॉर्वे में, इसका नाम है हिमाद्री। 1 जुलाई 2008 को स्थापित किया गया था, ये हिमाद्री हो जाएगा। ये तो है दोस्तों आर्कटिक, आपको पूछ लें, अंटार्कटिक और आर्कटिक दोनों अलग अलग है, कन्फ्यूज मत होना। भारत ने 1984 में अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री, ये नाम है दक्षिण गंगोत्री नाम से, अपना पहला स्टेशन अंटार्कटिका में, आर्कटिक में पहला स्टेशन हिमाद्री आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। पहला पोशाक संग्रहालय कॉस्ट्यूम म्यूजियम गोवा में स्थित है, इसका नाम है मोडा गोवा म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, 2018 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, मोबिलिज योर सिटी समझौते पर भारत ने फ्रांस के साथ हस्ताक्षर किए हैं, ये समझौता किससे संबंधित है। तो ये जो समझौता है मोबिलिज योर सिटी समझौता है जो भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है, याद रखना है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए यह समझौता हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, हु इज फर्स्ट इंडियन पोइट इनवाइटेड टू रिकॉर्ड हिज पोइम्स एट द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी के कांग्रेस लाइब्रेरी में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित प्रथम भारतीय कवि हैं, इनका नाम है अबे के, 2018 में आमंत्रित किया गया था वाशिंगटन डीसी के कांग्रेस लाइब्रेरी में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए, इस प्रकार आमंत्रित किए गए। प्रथम भारतीय कवि, नाम अबे के है इनका। अटल पेंशन योजना में प्रति माह न्यूनतम कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है। न्यूनतम पेंशन राशि की बात करूं अटल पेंशन योजना के तहत है वो 1,000 रुपये, अधिकतम 5,000 रुपये, याद रखना है। 60 वर्ष की उम्र के बाद जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश पर डिपेंड करता है आपको कितनी मंथली पेंशन राशि मिलने वाली है। अटल पेंशन योजना याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, और इसमें क्या है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये जो पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके योग्यता चाहिए 18 से 40 वर्ष के बीच में आप आयु होगी, उस समय आप इन्वेस्ट करेंगे, और पेंशन पाने के लिए 20 वर्ष का तो इन्वेस्टमेंट होना ही होगा। तो पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल का आप निवेश करेंगे। तो यदि आप कभी भी करते, जैसे कि 40 वर्ष में स्टार्ट करते तो 60 वर्ष आपकी 20 वर्ष हो जाता है, तो 60 वर्ष की उम्र के बाद यहां पर कम से कम 1,000 रुपये, इसीलिए 20 वर्ष इन्वेस्टमेंट है, ताकि 18 से 40 के बीच यहां पर अवधि दी गई है, 40 के बाद नहीं कर सकते हैं। अब अगला देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के 46th मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय। तो उस जैसे एग्जाम में सवाल आया था उस समय की बात हो रही, तो 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की तो रंजन गोगोई थे। 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो ये 46वें मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, नाम है रंजन गोगोई। इसके बाद 47वें चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के शरद अरविंद बोबड़े। वर्तमान में जो 48वें चीफ जस्टिस है उनका नाम है एनवी रमन है, ये 24 अप्रैल 2021 से कंटिन्यू है। 2012 में अंटार्कटिक में भारत के द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो अंटार्कटिका में पूछा गया है, न कि आर्कटिक में। आर्कटिक में ऊपर सवाल आया था जो कि था आपके हिमाद्री, अंटार्कटिका में पूछा मैंने आपको ऊपर बताया है। ये तीसरा पूछा, कौन सा पूछा है, अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र कौन सा है, 2012 में किया गया ना। तो ये तो हो जाएगा भारत का जो तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय हुआ था 18 मार्च 2012 में। पहला मैंने आपको बताया दक्षिण गंगोत्री है, वो अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस सेंटर हो जाएगा। और सेकेंड जो परमानेंट रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, उसका नाम है मैत्री। अब ये तीनों ही कब स्थापित किए गए जरूर याद रखिएगा, जो सबसे पहला है अंटार्कटिका में वो दक्षिण गंगोत्री है, 1984 में स्थापित हुआ था, 1990 तक ये चला था, इसका काल रहा है 1990 तक की अवधि थी इसकी। और फिर सेकेंड था उसका नाम है मैत्री, याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड मैत्री है 1989 में स्टार्ट हुआ था, ये 1984 में हुआ है, और 2012 में तीसरा भारतीय, ये आर्कटिक का अलग है जो कि हिमाद्री नाम है, 2008 में स्थापित नॉर्वे में हुआ था। डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन वुमन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वुमन की जो डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो कौन है, सवाल इसलिए बना क्योंकि वो भारतीय मूल की है, इनका नाम है अनिता भाटिया है। इनको महिला उप कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो आप कहेंगे ये कार्यकारी उप कार्यकारी तो हो गई,
अनिता भाटिया हैं, लेकिन महिला कार्यकारी निदेशक कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस वुमेन की बात करूं, उनका नाम है फुमजिले मलाम्बो नगुका, नाम हो जाएगा, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएन वुमेन की है अनिता भाटिया, याद रखिएगा। ये जो इंस्टीट्यूट संस्था एजेंसी है वैश्विक तौर पर महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता पर ध्यान केंद्रित करती है। एक फैक्ट बताऊं कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन है जो रिप्रेजेंट किया है एशिया पैसिफिक में इन द यूनाइटेड नेशंस 2008 में, तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इनका नाम हो जाएगा। 2019 में टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला था, तो संदीप गुप्ता को मिला था, ये मनिका बत्रा के कोच, मनिका बत्रा का स्पोर्ट कौन सा पूछा जाता है, टेबल टेनिस, याद रखिएगा। 2018 में टेबल टेनिस का द्रोणाचार्य हैं ए श्रीनिवासो राव को दिया गया है, ये 2019 का पूछा गया, संदीप गुप्ता 2018 में ए श्रीनिवासो राव है। बाकी 2020 में भी द्रोणाचार्य अवार्ड, देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड दो कैटेगरी, लाइफ टाइम कैटेगरी होती है, एक आपकी रेगुलर कैटेगरी होती है, ठीक है। तो लाइफ टाइम कैटेगरी 2020 में आप अवार्ड देख सकते हो, अलग अलग स्पोर्ट में किसको अवार्ड दिया गया, जैसे तीरंदाजी का धर्मेंद्र तिवारी हो जाएगा, एथलेटिक्स है सरोगी पुरुषोत्तम राय है, मुक्केबाज शिव सिंह, हॉकी रोमेश पठानिया है, इसी प्रकार टेनिस का पूछे तो नरेश कुमार को 2020 में दिया गया है, कृष्ण कुमार हुड्डा को कबड्डी का है, रोमेश पठानिया हो गया ना कुश्ती का, ओम प्रकाश दहिया है, ये सभी लाइफ टाइम के हैं। और रेगुलर कैटेगरी 2020 में हॉकी का पूछ रहे तो जुड फेलिक्स है, मलखम का योगेश मालवीय है, वुशु है कुलदीप कुमार हंडू है, बहुत बार पूछा जाता है किस स्पोर्ट के कोच है, वुशु के हैं, जसपाल राणा निशानेबाजी, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन है, रेगुलर कैटेगरी जरूर याद रखिएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड में जो आजीवन लाइफ टाइम कैटेगरी में यहाँ पर 15 लाख रुपए का रिवार्ड दिया जाता है और रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए एज ए रिवार्ड रूप में दिए जाते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता था, आप कहेंगे 29 जुलाई को, ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर दिवस है, बाघ दिवस है, 29 जुलाई को मनाया जाता है और ये 2010 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। द टाइगर मैन ऑफ इंडिया एग्जाम में आता है तो आप कहेंगे कैलाश शांकला है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। 2011 की जनगणना में केरल का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं, तो 1084 लिंगानुपात केरला का है। भारत का लिंगानुपात 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 943 हो जाएगा, 943 ये तो 2011 का है, और 2001 में भारत का लिंगानुपात था 933 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। सेकंड हाईएस्ट हैं वो 2011 में पुदुचेरी का 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। स्टेट विथ लोवेस्ट फीमेल सेक्स रेशियो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम 879 जो महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। दमन दीव का 618 है जो यूटी में सबसे कम हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा कौन सा शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो शिक्षा पोर्टल की बात करें जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसमें एक तो आपकी साक्षात पोर्टल भी है, दीक्षा पोर्टल भी है। साक्षात पोर्टल है ये MHRD के द्वारा लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के लिए लॉन्च किया गया था। दीक्षा पोर्टल है ये आपके छात्र और शिक्षक के बीच में सहज और परेशानी मुक्त बातचीत को सुलभ बनाए रखने के लिए, तो इनके मध्य इंट्रैक्शन के लिए दीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 की थीम है, 2019 की फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की थीम थी, वो थी फार्मर की, द थीम ऑफ फार्मर हो जाएगी। 2020 में जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम रही है वो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है। एग्जाम में सवाल आता है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है वित्तीय साक्षरता सप्ताह, तो आप कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। 2021 में ये था 8 फरवरी से 12 फरवरी तक, और 2021 में जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक FLW का विषय है वो क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, 2021 का ये थीम हो जाएगी। वित्तीय साक्षरता सप्ताह की शुरुआत हुई थी 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दौरान। शास्त्रीय संगीतकार जिन्हें 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था और जनवरी 2021 में उनकी मृत्यु हो गई थी, इनका नाम है उस्ताद गुलहाम मुस्तफा खान है। 2018 में पद्म विभूषण मिला है, जनवरी 2019 में इनकी डेथ हो गई थी, और ये संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड भी जीत चुके हैं 2003 में, बिलोंग करते हैं ये रामपुर सासवान घराना से। नेक्स्ट देखिएगा, नवंबर 2020 की जानकारी के अनुसार नौसेना प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में नेवी के जो चीफ ऑफ स्टाफ कह सकते हो नौसेना के प्रमुख हैं वो एडमिरल करमवीर सिंह हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो जनरल बिपिन रावत हैं, सभी तीनों के ही। वायुसेना के प्रमुख हैं एयर मार्शल जो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, और थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
2019 में भारत के रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो रक्षा मंत्री 2019 में या फिर वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह है। 31 मई 2019 को ये रक्षा मंत्री बने थे। इससे पहले रक्षा मंत्री हैं 2017 से 19 तक निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री वर्तमान में। एग्जाम आता सवाल, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बने थे 1947 से 52 तक। 2019 लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की सांसद कौन बने थे? तो वो बनी थी चंद्रानी मुर्मू हैं, ये बनी थी केंझर ओडिशा से सांसद बनी थी। किस पार्टी से? तो बीजू जनता दल से। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश की सरकार ने 2019 में जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए दुनिया की पहली पानी के नीचे कैबिनेट बैठक आयोजित की है? तो पानी के नीचे है, मालदीव सरकार ने जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया की इस प्रकार पहली बैठक आयोजित की थी 2019 में। अप्रैल 2019 तक नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 99% हो जाएगी। नाबार्ड की फुल फॉर्म बोलूँ तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुनील अरोड़ा थे मुख्य चुनाव आयुक्त 2019 लोकसभा इलेक्शन में, 2 दिसंबर 2018 से, जो 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। वर्तमान में जो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त अप्रैल 2021 से हैं, वो हैं सुशील चंद्रा हैं। 2018 में जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे इससे पहले सुनील अरोड़ा से, वो थे ओपी रावत, ओम प्रकाश रावत थे, उसके बाद सुनील अरोड़ा थे। अभी अप्रैल 2021 से वर्तमान में सुशील चंद्रा हैं जो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त में प्रथम कौन थे? तो सुकुमार सेन थे 1950 से 1958 तक हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त दो हैं, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे, जो अभी वर्तमान में बने हैं। 8 जून को दिए करंट अफेयर्स का इंपोर्टेंट हो जाता है अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट देखिएगा, 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार सर्वाधिक भूधारक एवं खेती योग्य रकबा किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। पहली बार कृषि जनगणना 1970 और 71 में की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में कृषि जनगणना की जाती है। PSLV C-45 रॉकेट से 1 अप्रैल 2019 को किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? एमीसैट को किया गया था। एमीसैट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। वैसे टोटल 29 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, और जो एमीसैट ये भारतीय जासूसी उपग्रह है जो लॉन्च हुआ था PSLV C-45 से 1 अप्रैल 2019 को। RBI के द्वारा देश में डिजिटल भुगतान की स्थिति के अध्ययन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक का आधार वर्ष, तो वो DPI का आधार वर्ष 2018 है। मार्च 2018 के लिए DPI स्कोर 100 निर्धारित किया गया था। जितने ज़्यादा डिजिटल भुगतान होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये DPI स्कोर बढ़ता रहता है। 2019 में ज़्यादा हुए डिजिटल तो 153 हो गया, मार्च 2020 में ये 207 हो गया। ये सभी 100 से आप तुलना कर सकते हो, 2018 से तुलनात्मक रूप से ये बढ़ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है, तो भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में रैंक है 63rd। 63वीं रैंक इंडिया की है। फर्स्ट रैंक पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में न्यूजीलैंड आपको याद रखना फर्स्ट है, सेकेंड सिंगापुर है, इंडिया की रैंक 63वीं है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, नोट कीजिएगा, इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आप कहेंगे विश्व बैंक के द्वारा। ये हिंदी में बोले तो उद्योग सहजता सूचकांक विश्व बैंक समूह के सिमोन डंजाको और गेरहार्ड पोल के द्वारा बनाया हुआ एक इंडेक्स है। विश्व जनसंख्या दिवस सभी को पता होना चाहिए, 11 जुलाई 1111, ठीक है, 1-1 जनसंख्या, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2019-20 UEFA चैंपियंस लीग का फाइनल मैच किस सिटी में हुआ था? तो लिस्बन पुर्तगाल में हुआ था, जिसमें चैंपियन रहा था बैरिन मुनिच, जो क्लब है ये यूफा चैंपियन लीग के फाइनल मैच कह सकते हो, ये चैंपियन रहा इस लीग का। 2020-21 में भी ये चैंपियन लीग हो चुकी है। UEFA जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है, इसमें चैंपियन रहा है वो क्लब है चेल्सी क्लब, इंग्लैंड का ये क्लब है चेल्सी। फाइनल जैसे कि ये पूछा है ना, 2019-20 का फाइनल पुर्तगाल में हुआ, इसी प्रकार 2020-21 का फाइनल है ये एस्टेडियो डो ड्रेंगो जो पोर्टो पुर्तगाल है वहीं पर हुआ है, ये भी पुर्तगाल में लेकिन स्थान अलग है। 2020-21 चैंपियन स्पेशली जरूर याद रखिएगा, चेल्सी क्लब है। अगला सवाल देखिएगा, इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2016 में हुआ था, ये दिवालिया वाला, 28 मई 2016 को इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड अधिनियम है वो लागू हुआ था, या फिर पास तो ये लोकसभा में 5 मई को हुआ था, राज्यसभा में 11 मई को, फाइनली राष्ट्रपति हस्ताक्षर से ये पारित हुआ था अधिनियम 28 मई 2016 को। सागरमाला प्रोजेक्ट है, भारत के जो बंदरगाह है उनके आधुनिकरण के लिए ये सागरमाला प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसकी शुरुआत है वो 2015 में हुई थी। चीन के शहर में मानव निर्मित आर्टिफिशियल
चंद्रमा स्थापित करेगा तो दक्षिणी पश्चिमी सिचुआन प्रांत का चेंगदू शहर है, ये रोशनी देने वाला सैटेलाइट है। तो चाइना यहाँ पर जो सिचुआन प्रांत कह सकते हो, एक आर्टिफिशियल चंद्रमा स्थापित करेगा। ये जो कृत्रिम उपग्रह धरती पर करीब 80 किलोमीटर के दायरे को रोशन कर सकता है, और ये जो आर्टिफिशियल मून है ना चंद्रमा, ये वास्तविक चंद्रमा की अपेक्षा 8 गुना अधिक चमकीला होगा। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल छठे भारतीय प्लेयर कौन है? अभी टोटल तो हो चुके हैं 7, तो ये करंट अफेयर्स का सवाल बन जाता है। वर्तमान में 2021 में जो 7वें आपको पूछ ले भारतीय प्लेयर जो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए, काफ़ी इंपोर्टेंट है, वो है विनू मनकड़ है। तो विनू मनकड़ को ये आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 7वें भारतीय क्रिकेटर के रूप में 2021 में शामिल किया गया है। जैसे कि सवाल में छठा पूछा है तो आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर थे, जिन्हें 2019 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार ये तो छठे हैं, सातवें हैं, तो पहले दूसरे वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए। एग्जाम में सवाल आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर आईसीसी क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम लिस्ट में शामिल नहीं है? तो सबसे पहले फर्स्ट तो बिशन बेदी है, सुनील गावस्कर हो गए, कपिल देव हो गए, ये तीनों को ही 2009 में, ठीक है, ये आईसीसी क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम 2009 में शामिल हुए थे। उसके बाद 2015 में अनिल कुंबले हैं, फिर 2018 में राहुल द्रविड़ हैं, तो ये आपके हो जाते हैं 3, 2, 5 सचिन तेंदुलकर अच्छे, और 7वें विनू मानकर, याद रखिएगा। 2014 में आई रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के लिए प्रति परिवार औसत मासिक व्यय कितना रुपए है? तो गरीबी रेखा के लिए प्रति परिवार औसत मासिक व्यय जो 2014 में रंगराजन समिति ने बताया था, वो शहरी क्षेत्रों में तो 1,407 रुपए बताया है, ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए हैं। शहरी क्षेत्र में कोई गरीबी रेखा से नीचे है तो उनके लिए मासिक व्यय जो रहता है, खर्च रहता है, प्रत्येक परिवार की बात हो रही, प्रति परिवार एवरेज मंथली कितना खर्चा हो जाता है शहरी क्षेत्रों में, जो गरीबी आदमी है, गरीबी रेखा से नीचे कह सकते हो, ये रंगराजन समिति ने बताया कि 1,407 रुपये शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीणों में कम होता है 972 रुपये, याद रखिएगा। तेंदुलकर समिति ने क्या बताया था कि शहरी क्षेत्र में 1,000 रुपये, ये शहरी में 1,000 है, ग्रामीण में हो जाएगा आपके कम है ना, तो 816 रुपये ग्रामीण में है। तो ये अलग अलग दोनों ही समितियों की रिपोर्ट है। अगला सवाल देखिएगा, 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर नहीं होगा? 3 जगह पर होगा, कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट में। तो आप कहेंगे ब्राज़ील में नहीं होने वाला है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कनाडा में होगा, मेक्सिको में होगा, यूएसए में होगा। ये 2026 का फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही, तो आप कहेंगे 2022 का हो गया, तो 2022 का है वो कतर में हो जाएगा, इससे पहले 2018 का हुआ था, तो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप है रशिया में हुआ था, सभी को पता ही होगा, जिसमें फ्रांस से वो टॉप किया था, रनर अप उपविजेता क्रोएशिया रहा था, 32 टीमों ने वैसे यहाँ पर भाग लिया था, जो कि रशिया आयोजित हुआ था, बेल्जियम थर्ड स्थान पर रहा था। सबसे अधिक बार ये जो फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका अब तक, वो ब्राजील अपने नाम 5 टाइटल कर चुका है, और प्रथम फीफा वर्ल्ड कप 1930 उरुग्वे में हुआ था, 16 टीम ने हिस्सा लिया था। 2026 याद रखिएगा कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट में होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में आयोजित वार्षिक संगीत कार्यक्रम उच्च स्तरीय मीटिंग की थीम आपको पूछी है, जो 75वीं वर्षगांठ की स्मृति है, किसकी बात हो रही है? संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की याद में एक वार्षिक समारोह हुआ था, संगीत कार्यक्रम होता है हमेशा, तो इसमें एक मीटिंग रही है, तो उसकी थीम क्या है? उच्च स्तरीय मीटिंग की थीम है द फ्यूचर वी वांट, द यू एंड वी नीड, री अफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म, ये इसकी थीम हो जाएगी। 21 सितंबर 2020 को ये मीटिंग हुई है, 75वीं वर्षगांठ है, 21 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाने के लिए जनरल असेंबली हॉल में एक वार्षिक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष बात करूँ तो कोविड-19 की महामारी के कारण है ये कॉन्सर्ट पूर्व निर्धारित किया गया, और बाद में 22 अक्टूबर 2020 को गुरुवार को ये जनरल असेंबली हॉल में इसको प्रदर्शित किया गया था, पहले से ही निर्धारित करके बाद में कोविड-19 के कारण से रिशेड्यूल किया गया था 22 अक्टूबर को, और इसकी जो थीम रही है वो आपको पूछा था, तो द फ्यूचर वी वांट, द यू एन वी नीड है, ये इसकी थीम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, अर्थ 2.0 और अर्थ कजिन है, या फिर पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी का चसेरा भाई अर्थ 2.0 है, केपलर 452b को कहा जाता है, नाम है दोस्तों इसका केपलर 452b है, जिसकी खोज हुई थी 23 जुलाई 2015 को, पृथ्वी का चचेरा भाई इसे कहा जाता है। फैनी चक्रवात का उद्गम कहाँ से हुआ था? फैनी चक्रवात है ये 26 अप्रैल 2019 को उष्णकटिबंधीय गर्त हिंद महासागर में सुमात्रा के पश्चिम में, ये कहाँ पर उद्गम हुआ है? तो आप कहेंगे हिंद महासागर में सुमात्रा के पश्चिम में 26 अप्रैल 2019 को, और इससे पहले
मैंने एक बताया था ना कि फैनी का मतलब क्या होता है, तो सांप होता है फैनी, इसका अर्थ हो जाएगा। बांग्लादेश के द्वारा इस नाम को दिया गया था। ओडिशा राज्य है सबसे अधिक इसमें प्रभावित हुआ था फैनी साइक्लोन से। 2011 की जनगणना के अनुसार सेकेंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो दिल्ली है। सेकेंड का पूछा तो फर्स्ट आप प्रथम कौन सा, मुंबई है। सेकेंड सबसे अधिक जनसंख्या है वो दिल्ली में है, थर्ड है बेंगलुरु में, चौथे स्थान पर हैदराबाद है। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए, सर्वाधिक जनसंख्या मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, फिर हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 2018 का पद्म भूषण किस क्रिकेटर को दिया गया था। तो 2018 का पद्म भूषण है क्रिकेटर की बात करें तो श्री महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। श्री पंकज आडवाणी हैं, ये स्पोर्ट बिलियर्स और स्नूकर से हैं, इनको भी दिया गया था। ये तो खिलाड़ियों की बात हो गई 2018 में जिन्हें पद्म भूषण दिया गया इनको। वैसे पद्म विभूषण आप 2018 की बात करें तो ये 2018 का कम पूछा जाएगा, आगे मैं 2020 का बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल, 2019 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के गुडविल एम्बेसडर 2019 में पद्म लक्ष्मी इनका नाम है, इंडियन अमेरिकन टेलीविजन पर्सनलिटी। ये पद्मा लक्ष्मी को बनाया गया है UNDP का गुडविल एम्बेसडर 2019 में। एक एग्जाम में सवाल ये भी पूछा हुआ कि यूनिसेफ 2018 में सबसे युवा सद्भावना दूत या फिर गुडविल एम्बेसडर हैं, वो मिली बॉबी ब्राउन है। प्रियंका चोपड़ा को भी वैसे ग्लोबल यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था 2016 में। अगला सवाल, 2019 में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था, तो ये वाराणसी में मनाया गया था 2019 में। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस है 20 से 28 जनवरी 2019 को वाराणसी में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस इसकी जो थीम थी वो नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, ये थीम हो जाएगी। और मॉरिशस गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री अरविंद जगन्नाथ जी प्रवासी में वाराणसी में आयोजित जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। 9 जनवरी 1915 का आपको पता ही होगा ये डेट, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को दिवस मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, जरूर याद रखिएगा। तो 9 जनवरी 2021 को जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है वो 2020 का आयोजन है, वर्चुअल रूप से हुआ है, COVID-19 के कारण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2020 में इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, थीम हो जाएगी। 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव है किस राज्य का राज्य उत्सव घोषित किया गया है, तो राज्य उत्सव घोषित हुआ है पक्के पागा हॉर्नबिल है अरुणाचल सरकार ने। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम में सवाल आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? तो नागालैंड का है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये अलग सवाल है जिसे फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी, त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल है ये महोत्सव अरुणाचल सरकार ने राज्य उत्सव घोषित किया है, पक्के पागे हॉर्नबिल को अरुणाचल सरकार ने। ऑप्शन में नागालैंड आएगा, कंफ्यूज मत होना, जरूर आएगा यहाँ पर यदि सवाल आता है। किसके द्वारा रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में नामित किया गया है, तो रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में नामित है, ये किसके द्वारा, तो यूनेस्को के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा। उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में वास्तुकला स्मारक को संरक्षित करना है, तो ये रियो डी जेनेरियो को एज ए वास्तुकला की विश्व राजधानी नामित किया गया था यूनेस्को के द्वारा 2020 के लिए। 2019 में किस भारतीय एजेंसी की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, 2020 में इसरो की 50वीं वर्षगांठ याद रखिएगा। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना, एग्जाम में सवाल रिपीट होता रहता है, याद रखिए 15 अगस्त 1969 है, इसकी 50वीं वर्षगांठ हो जाएगी 2019 में इसरो की। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, दिसंबर 2020 तक है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख के उपराज्यपाल वर्तमान में आर के माथुर हैं, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से हैं। ये लद्दाख के उपराज्यपाल, जो एग्जाम में उस समय सवाल था कि दिसंबर 2020 तक कौन है, अभी भी है ये वर्तमान में भी, जुलाई 2021 तक की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के सेकेंड उपराज्यपाल हैं जब केंद्र शासित प्रदेश बना है। और बात करूँ फर्स्ट उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे, ये फर्स्ट उपराज्यपाल थे और वर्तमान में है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट देखिएगा, वुमन बेलन डियोर अवार्ड 2019 किसे दिया गया था, वुमन्स बेलन डियोर अवार्ड है ये मैगन रैपिनो को दिया गया है, नाम इनका दोस्तों मैगन रैपिनो, क्लब इनका ओएल राइन है। सेकंड ये अवार्ड दिया गया है वुमन बेलन डियोर अवार्ड है, ये इंग्लैंड लुकी ब्रॉन्ज को, और ये दोस्तों एक फुटबॉल अवार्ड है फ्रांस फुटबॉल के द्वारा इसे प्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट अवार्ड 2018 में ये अडा हैगरबर्ग को दिया गया था।
2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स सर्वाधिक मेडल किस राज्य ने जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं सर्वाधिक मेडल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 256 मेडल जीते थे, 78 गोल्ड, 77 सिल्वर, 101 ब्रॉन्ज मेडल सहित। सेकंड हरियाणा रहा है, थर्ड दिल्ली रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हुए थे गुवाहाटी असम में, 21 में ये 22 में होंगे हरियाणा में अब की बार। अगला सवाल देखिएगा, 2020 इंडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विजेता, 2020 में मैन सिंगल की बात करें तो नोवाक जोकोविच रहे थे, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। 2020 में इटालियन ओपन के टेनिस टूर्नामेंट के ये विजेता रहे हैं। और अब की बार 2021 में सभी जो भी अभी तक हो चुके हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है, यूएस ओपन होना, विंबलडन हो चुका है, और इन तीनों के ही जो मैन सिंगल्स के चैंपियन रहे हैं नोवाक जोकोविच 2021 में भी रहे हैं यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन में। और वुमन सिंगल्स जो इटालियन ओपन के विजेता 2020 में रही थी सिमोना हालेप रही है, रोमानेसी खिलाड़ी हैं। आउटडोर क्ले कोर्ट पर ये खेला जाता है, इटालियन कोर्ट है ये, क्ले कोर्ट पर जैसे कि फ्रेंच ओपन खेला जाता है ना, फ्रेंच ओपन है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसी प्रकार विंबलडन ओपन कहाँ पर खेला जाता है, एग्जाम में सवाल आ जाता है, विंबलडन ओपन है तो विन करेंगे तो आप घास के अंदर जाएंगे ना, ग्रास में, घास कोर्ट वाला। और बाकी जो भी आपके यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये खेले जाते हैं जो सिंथेटिक हार्ड कोर्ट कह सकते हो, और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, इटालियन ओपन है। 2021 में भी ये टूर्नामेंट हो चुका है। तो इसके चैंपियन 2021 में राफेल नडाल रहे हैं, मैन सिंगल के स्पेन से, और वुमन सिंगल की एगा स्वीटेक रही है। 2021 में इटालियन ओपन राफेल नडाल ने बाजी मारी है, 2020 में नोवाक जोकोविच थे। अगला सवाल देखिएगा, विच टू कंट्रीज हैव ऑफिशियली क्विट यूनेस्को इन 2019? 2019 में यूनेस्को की सदस्यता है वो किन दो देशों ने छोड़ी है 2019 में? तो यूनेस्को की सदस्यता है एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, साथ ही साथ इजराइल, याद रखिएगा, तो इजराइल और अमेरिका ने ये सदस्यता छोड़ दी है, किसकी, यूनेस्को की, ठीक है, याद रखिएगा, यूनेस्को की सदस्यता है 2019 में दो देश, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजराइल ने छोड़ी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। साइक्लोनिक स्टॉर्म पाबुक है, पाबुक चक्रवात कहाँ से उद्गम हुआ था? तो पाबुक की उत्पत्ति है ये दक्षिण चीन सागर, थाईलैंड की खाड़ी है, वहाँ से एक उष्णकटिबंधीय अशांति के रूप में हुई थी 2018 में। पाबुक ने 4 जनवरी 2019 को थाईलैंड में लैंडफॉल बनाया, जिसके तुरंत बाद उत्तर हिंद महासागर के बेसिन में बंगाल की खाड़ी में ये उभर आया था। पाबुक नाम है ये लाओस के द्वारा दिया गया है, इसका मतलब है बिग फ्रेश वाटर फिश हो जाएगा, मछली है एक तरीके से फ्रेश वाटर की। 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड किसे दिया गया? तो पद्म विभूषण भूषण 2021 में जरूर याद रखें किस क्षेत्र में किनको दिया गया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बेले मोनपा हेगड़े को दिया गया है, बेले, डॉक्टर बेले मोनपा हेगड़े चिकित्सा के क्षेत्र में। पद्म विभूषण 2021 में सभी को देख लेते हैं अपन, शिंजो आबे आपको पूछ रहे, जनसेवा किस जापानीज को दिया गया? शिंजो आबे को दिया गया, या फिर प्रधानमंत्री को, इस प्रकार विदेशी प्रधानमंत्री को। एसपी बाल सुब्रमण्यम ये मरणोपरांत मिला है कला के क्षेत्र में। डॉक्टर बेले मोनपा हेगड़े चिकित्सा के क्षेत्र में। नरेंद्र सिंह कप्पानी को मिला है यूएसए से, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह कप्पानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। मौलाना वहीउद्दीन खान अध्यात्म पुरातत्व बीबी लाल को कला के क्षेत्र में। सुदर्शन साहू को दिया गया है, ये सभी पद्म विभूषण की बात हो रही है। पद्म भूषण 2021 है चंद्रशेखर कंबारा को साहित्य और शिक्षा, नरपेंद्र मिश्र सिविल सर्विस है, रामविलास पासवान जनसेवा, कृष्णन नायर, शांता कुमारी चित्रा कला जनसेवा, बाकी तरुण गोगोई हो गए, केशुभाई पटेल हैं, सुमित्रा महाजन भी जनसेवा है, तरलोचन सिंह हैं, कल्बे सादिक अन्य कैटेगरी हैं, और रजनीकांत देवीदास श्रॉफ व्यापार और उद्योग क्षेत्र से, ये सभी पद्म भूषण अवार्ड हैं जो 2021 में दिए गए हैं। 2021 में आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पद्म भूषण किसे मिला? मैंने बताया कल्बे सादिक को दिया गया है, ये अध्यात्म क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से मरणोपरांत मिला है। चेन्नई में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किस रोड सेफ्टी रोबोट को लॉन्च किया गया है? रोडियो इसका नाम है, और केपी बोट रोबोट केरल पुलिस का है, जो उसका नाम है केपी बोट रोबोट है। और चेन्नई में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो रोड सेफ्टी रोबोट है उसका नाम है रोडियो, और केपी बोट है केरल पुलिस के लिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम रैंक किस देश की रही है? तो वर्ल्ड जो खुशहाली सूचकांक की बात करें तो प्रथम रैंक रही है फिनलैंड की। भारत की रैंक है 144वीं, खुशहाल के केस में भारत है वो नहीं है एक तरीके से, 156 देशों में से 144वीं रैंक रही है। ये दोस्तों इंडेक्स हैं, खुशहाली सूचकांक या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रिलीज किए जाते हैं प्रतिवर्ष है। तो ये 2020 के डाटा थे, 2021 में भी रिलीज हो चुका है, तो 144वीं 2020 में रही। वर्तमान में भारत की रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में वो 139वीं आउट ऑफ 149 देशों में से रही है। और सबसे नाखुश यानी अंतिम पायदान पर निचले स्थान पर इस रैंकिंग में अफगानिस्तान है 149वां देश,
पाकिस्तान की रैंक है बाहर से बेहतर है, 105वीं रैंक है। बांग्लादेश की भी बेहतर है, 101वीं रैंक है। भारत की सबसे एक तरीके से नीचे कह सकते हो 139वीं रैंक है वैश्विक खुशहाली सूचकांक में। चाइना भी बेहतर है, 84th रैंक पर है। 2021 में टॉप किया है वो फिनलैंड है 2021 में भी। इसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन है, ये सभी टॉप किए हैं। और 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस है 20 मार्च को जो मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, तो 2021 में इसकी थीम रही है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। ग्राम पंचायत के विकास हेतु 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो कहाँ से शुरू की गई है, तो हरियाणा से की गई है। 2018 में हरियाणा के ग्राम पंचायत के लिए 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो हरियाणा से। विश्व स्वच्छता दिवस है या फिर वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है, तो हाथ का स्वच्छता दिवस है, हाथ स्वच्छता दिवस या फिर वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है 5 मई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस अलग है 7 अप्रैल को। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, हैंड वॉशिंग है वो 15 अक्टूबर को, हैंड हाइजीन है ये 5 मई को मनाया जाता है, सभी अलग अलग हैं। 2019 में सबसे ज़्यादा शराब उत्पादन 2019 हो गया, 2020 हो गया, सबसे अधिक वाइन्स या फिर जो शराब का उत्पादन है वो इटली में होता है। वर्ष 2018 में 6 लाख करोड़ बाजार पूंजी के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी, तो सेकेंड तो है TCS हो जाएगी टाटा की। वर्तमान में TCS का जो मार्केट कैप है वो नियरली 12.9 ट्रिलियन है। फर्स्ट कौन से, जैसे कि सेकंड ये है तो फर्स्ट है वो रिलायंस है, फिर इसके बाद थर्ड में शायद HDFC बैंक है। वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन राइट्स TV चैनल लॉन्च इन, दुनिया का पहला मानवाधिकार TV चैनल है ये कहाँ पर लॉन्च हुआ था, लंदन में हुआ था। दुनिया का पहला ये मानवाधिकार TV चैनल है 15 जनवरी 2019 को लंदन में लॉन्च हुआ था। 2019 में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली आधिकारिक यात्रा के लिए किस देश में गए थे, 2019 में जैसे ही PM बने ये मालदीव गए थे, बाद में श्रीलंका गए थे। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, कोई भी नहीं था। अब की बात 26 जनवरी 2021 को वैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया गया था, तो 26 जनवरी पर कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि नहीं थे। इससे पहले ये 2 बार यहाँ पर हो चुका है कि 1952 में, 1953 में, 1966 में 3 बार बिना विदेशी मेहमान के गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। अब की बार ये 4थी बार 2021 में कोई भी विदेशी मेहमान नहीं था मुख्य अतिथि के रूप में। तो आप कहेंगे 2020 में कौन थे, तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, यहाँ से सवाल आ चुका है। 2020 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि 2019 में थे राष्ट्रपति श्री रामफोसा थे 2019 में। अगला सवाल लिखेगा, 2019 का लोकसभा चुनाव कौन से क्रम का चुनाव था, ऊपर बता चुका हूँ 17वां लोकसभा चुनाव था 2019 में। 2021 में किस पूर्व विदेशी प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण दिया गया है, तो किस विदेशी प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 में, शिंजो आबे मैंने बताया था जापान से हैं, जापान के प्रधानमंत्री रहे थे 2012 से 2020 तक है। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री 16 सितंबर 2020 से कौन है, तो वो हो जाएंगे वाई सुगा। नेक्स्ट में देखिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है वो पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती हैं, तो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र में PSU जो कंपनी है ये हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती हैं, पवन हंस हो जाएगा। पवन हंस इज ए मिनी रत्न वन कैटेगरी की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो जाएगी। वैष्णो देवी यात्रा के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विस है यही कंपनी प्रदान करती है। इसका मुख्यालय नोएडा में है, हब्स है वो जूही एयरड्रोम मुंबई में है। अगला सवाल दिखेगा, 2019 में छत्तीसगढ़ की सुश्री तिज्जनबाई को किस लोक गायन कला हेतु पद्म विभूषण दिया गया है, तो तिज्जनबाई को आप सभी को पता ही होगा, एग्जाम में बहुत बार आ जाता है सवाल, पंडवानी जो लोक गीत नाट्य की ये पहली महिला कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। इसरो ने कहाँ पर तीसरे स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर STIC की स्थापना की है, तो STIC की स्थापना जो इसरो ने तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है वो NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में की है। कहाँ पर, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में जो तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर इसरो का है, इसमें छात्र समुदाय के बीच में स्टार्टअप हैं, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और देश में स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एकेडेमिया इंडस्ट्री इकोसिस्टम विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। इसरो का जो फर्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT अगरतला में था फर्स्ट, तीसरा है NIT तिरुचिरापल्ली में, सेकेंड था NIT जालंधर पंजाब में, तो ये 3 हो जाएंगे इंक्यूबेशन सेंटर इसरो के।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई 2019 में सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों में भारत की रैंक, सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता जो विभिन्न देशों को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निवेश मिलता है, तो भारत की रैंक यहाँ पर 9वीं रही है 2019 में। इंडिया रिसीव्ड टोटल $51 बिलियन जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है 2019 में भारत को मिला है। और एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 की बात करूँ तो इसमें भारत की रैंक रही थी 16वीं, एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में, 2018 में 11वीं, 17 में 8वीं थी। अगला सवाल देखिएगा, किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड मिला है? तरुण गोगोई को, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं असम के, इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2021 में, तरुण गोगोई याद रखिएगा। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे शपथ समारोह में प्रधानमंत्री सहित कितने केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों ने शपथ ली थी 2019 में जब प्रधानमंत्री का शपथ समारोह था? तो 25 कैबिनेट मंत्री थे, यानी 24 तो थे और एक प्रधानमंत्री, 24 राज्य मंत्री, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, ये 30 मई 2019 को इन्होंने शपथ ली थी। भारतीय संगीतकार भूपेन हजारिका किस राज्य के निवासी थे जिन्हें 2019 का भारत रत्न मिला है? तो सदिया असम से थे और इन्हें 2019 का भारत रत्न मिला है। भूपेन हजारिका के नाम पर असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज है भूपेन हजारिका सेतु कहा जाता है, या फिर इसे ढोला सदिया सेतु भी कहते हैं क्योंकि ये ढोला और सदिया कस्बे को कनेक्ट करता है। ढोला कस्बा कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा छोर जो असम की तिनसुकिया जिला का सदिया कस्बा है, और ये जो आपके ब्रिज बना हुआ है भूपेन हजारिका सेतु है, ये लोहित नदी को पार करता है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 9.15 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज लोहित नदी को क्रॉस करता है। जनवरी 2021 में इंडिया एवं ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज पैट कमिंस रहे थे। तो जनवरी 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज पैट कमिंस याद रखिएगा। भारत ये सीरीज वैसे जीता था 4 मैचों की श्रृंखला 2-1 से। ये तो थी आपके टेस्ट वाली जिसमें पैट कमिंस थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज 2021 में हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया की। वनडे में प्लेयर ऑफ द सीरीज स्टीव स्मिथ रहे थे और T20 में हार्दिक पांड्या रहे थे। नेक्स्ट वन देखिएगा, 17 सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो 2030 तक इनको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जो 17 गोल्स है टोटल बहुत बार ऊपर बता चुका हूँ। ये वैसे घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा 2015 में हुई थी, 2016 से ये कंटिन्यू 2030 तक की अवधि में इसे हासिल करना है। 17 लक्ष्य हैं, 169 उपलक्ष्य हैं, तो ये टोटल घोषणा आपको पूछा तो 2015 सितंबर 2015 में हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, 2019 में कौन सी आर्थिक जनगणना हुई थी? 7th इकोनॉमिक सेंसस था 2019 में। आर्थिक जनगणना में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी, ठीक है, 2019 में 7वीं थी। ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा की जाती है। 6ठी हुई थी 2013 में याद रखिएगा, 7वीं हुई है 2019 में, पहली 1977 में। नीट एग्जाम 2020 किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, NTA के द्वारा आयोजित किया जाता है। इससे पहले पार्ट में, पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था, सवाल आया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मेरे को पता चल जाए कितने कैंडिडेट हैं रोजाना वीडियो देखते हैं या फिर कंटिन्यू ये भी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट जरूर कर देना, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर किस नगर निगम को 2019 में PMAY अर्बन के तहत देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन वाली है, इसके तहत देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में विशाखापट्टनम, ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम है, इसको चुना गया है। तो नगर निगम का पूछा है 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सबसे बेस्ट ये ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम का परफॉर्मेंस रहा है। अगला सवाल लिखिएगा, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 15 मार्च 2019 को कहां पर नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया है? गुजरात के गांधीनगर में 15 मार्च 2019 को नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन है वो रामनाथ कोविंद जी ने किया था। तो ये फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप गांधीनगर गुजरात में किया गया था। अगला सवाल लिखिएगा, 2019 स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता, 2019 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की मैं बात करता हूँ तो चैंपियन थे जुड ट्रंप, रनर अप जोहन हिगिंस थे, ये इंग्लैंड में हुआ था, सेफील्ड इंग्लैंड में। अभी देखिए 2021 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में विजेता कौन रहे? मार्क शेल भी याद रखिएगा, 2021 का इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 2020 में रॉनी ओसुलिवन रहे थे, 2020 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, 2021 में मार्क शेल भी जो इंग्लैंड से हैं। IBSA वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है मोहम्मद आशिफ रहे हैं, 2019 के इंडियन ओपन स्नूकर टूर्नामेंट के चैंपियन रहे थे मैथ्यू शेल्ट। नेक्स्ट देखिएगा, बाल शक्ति पुरस्कार 2019 या 2020 प्राप्तकर्ता सबसे युवा, बाल शक्ति पुरस्कार 2020 में
49 बहादुर बच्चों को दिया गया था। 2021 में आगे सवाल भी आएगा 32 बच्चों को, 2016-19 में ये दिया गया था 26 बच्चों को। 2018 में यूनिसेफ इंडिया ने देश की प्रथम युवा राजदूत किसे बनाया है, तो कंट्रीज फर्स्ट एवर यूथ एम्बेसडर 2018 में यूनिसेफ इंडिया ने बनाया है, हिमा दास को बनाया गया है। हिमा दास जिन्हें ढींग एक्सप्रेस भी कहते हैं, असम राज्य की हैं, ये भारतीय स्प्रिंटर धावक हैं, इनको यूनिसेफ इंडिया की प्रथम युवा राजदूत 2018 में बनाया गया था। यूनिसेफ 2018 में सबसे युवा गुडविल अम्बेसडर जैसे कि ऊपर बताया मैंने मिली बॉबी ब्राउन को बनाया गया था। ये ऊपर जो हिमा दास है ये इंडिया की यूनिसेफ इंडिया ने बनाया था, ठीक है, ये ग्लोबली है। और जैसे कि प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल यूनिसेफ गुडविल अम्बेसडर 2016 में बनाया गया था। 2019 में टमाटर प्याज आलू की कीमतों को स्थिर करने एवं आपूर्ति व उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू किया गया था, ऑपरेशन ग्रीन को शुरू किया गया था। जो टमाटर प्याज आलू हैं इनकी कीमत को स्थिर करने, आपूर्ति है, उपलब्धता कम ज्यादा है, इन सभी को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत हुई थी। 2019 में डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है, 51वीं रैंक रही है 2019 में। 2020 में भी ये आंकड़ा आ चुका, तो 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की जो पोजीशन है, रैंक है, वो 53वीं है। 2019 में 51वीं है और भारत की रैंक बदतर हुई है, 53वीं हो चुकी है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में, याद रखिएगा। इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, किन पर आधारित है, कौन से पैमाने आप कह सकते हो, तो सूचकांक ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है 5 श्रेणियों पर आधारित है, चुनावी प्रक्रिया, बहुलवाद, सरकार का कामकाज, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता पर। 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो अभिनव शॉ ने बनाया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड 2019 में बनाया था, ये यंगेस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेडलिस्ट है अभिनव शॉ, याद रखिएगा। इन्होंने 10 वर्ष 291 डे की उम्र में ये सबसे युवा रहे हैं, ये जीता है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड में गोल्ड जीता है, इनके साथ साथ मेहुली घोष थे क्योंकि ये मिक्स्ड है, अंडर 21 कैटेगरी में। 2021 में किसी पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, तो ऊपर बता चुका हूं किन्हें मिला है 2021 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण है, तो बी हो जाएगा यहां पर जो बाल सुब्रमण्यम है, एसपी बाल सुब्रमण्यम को 2021 का पद्म विभूषण दिया गया है। और ये क्या पूछा, पद्म विभूषण, देखिए सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हुई टाइपिंग में, यहाँ पर पद्म विभूषण तो इनको वैसे दिया ही गया, ऐसा होगा पद्म भूषण किसे नहीं दिया गया है, तो पद्म भूषण है सुमित्रा महाजन को मिला है 2021 में, केशुभाई पटेल को भी दिया गया है, रामविलास पासवान को भी दिया गया है। जो एसपी बाला सुब्रमण्यम है इनको मिला है पद्म विभूषण, न कि पद्म भूषण, तो इन्हें पद्म भूषण नहीं मिला है, ये सही हो जाएगा, तो इसमें पद्म भूषण आप रखिएगा। बाकी पद्म भूषण 2021 में जो दिए गए हैं वो चंद्रशेखर कंबारा को, नरेंद्र मिश्र, रामविलास पासवान ऑप्शन था, कृष्ण नायर, शांता कुमारी चित्रा, तरुण गोगोई है, केशुभाई पटेल भी था ऑप्शन में, सुमित्रा महाजन, तरलोचन सिंह है, कल्बे शादिक, रजनीकांत, देविदास श्रॉफ, इन सभी को दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, 2021 में कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया है, तो 2021 में 32 को दिया गया था, 2020 में 49 बहादुर बच्चों को, 2019 में 26 बच्चों को। जो सबसे पहले बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया था वो 1996 में दिया गया था, याद रखिएगा, फर्स्ट अवार्ड 1996 में। 2021 में 32 बच्चों को दिया गया था, ये जो 18 वर्ष से कम उम्र में असाधारण उपलब्धि है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उपलब्धि हासिल करने वाले, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाता है, बाल शक्ति पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, अवार्ड दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल, दिसंबर 2020 तक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कौन है, अभी वर्तमान में जो 7 जुलाई को मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ है इसमें भी ये सेम ही रहे हैं प्रहलाद जोशी, जैसे कि मैंने ट्रिक में भी बताया था कि कोयला एवं खान मंत्री भी हैं, क्योंकि कोयला और खान में एक तरीके से अग्नि सा काम होता है, काफ़ी गर्म होते हैं और जिसमें जोश होगा वही ये काम कर पाएगा। स्पेशली प्रहलाद हैं, भगत प्रहलाद हैं, ये होलिका के साथ दहन किया तभी भी कुछ भी नहीं हुआ था, तो ये प्रहलाद हैं वो इस अग्नि में भी रह सकते हैं, तो ये कोयला एवं खान मंत्री। इस प्रकार से मैंने पूरी ट्रिक बताई है, आपकी बार मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ है जुलाई 2021 में, सभी 30 कैबिनेट मंत्रियों की ट्रिक आप वो जरूर वीडियो देख लेना, सर्च कर देना कैबिनेट मिनिस्टर टॉप ट्रेंडिंग जी के आ जाएगा ट्रिक से। तो दिसंबर 2020 तक अभी वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री भी साथ साथ है, संसद का काम रहता है, जी काम थोड़ा है, ये भी जोशीला आदमी करेगा तो प्रहलाद जोशी है, याद रखिएगा प्रहलाद जोशी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत कब हुई है, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 को। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये संचालित की जा रही योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, 1 जनवरी 2017 से शुरुआत हुई है, और ये मातृत्व सहयोग योजना के नाम को बदलकर इसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना किया गया है। इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है, जो गर्भवती महिलाएं हैं
और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रथम जीवित जन्म के लिए 6,000 रुपये की मदद प्रदान की जाती है। तो 6,000 रुपये में से भी 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाते हैं, 1,000 जो शेष रुपये हैं ये राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत है वो मिलती है। तो आवेदन की न्यूनतम आयु इसमें 19 वर्ष तो चाहिए ही चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड 2019 मिला है? तो शशि थरूर ने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2019 जीता था। तो साहित्य एकेडमी अवार्ड 2019 में सभी भाषाओं की बात करें तो अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। तो ये 2019 में इंग्लिश में एन एरा ऑफ डार्कनेस को दिया गया था जो कि शशि थरूर की है रचना। बाकी हिंदी में है वो छीलते हुए अपने को दिया गया है, नंद किशोर आचार्य को दिया गया एक तरीके से, बंगाली का घूमर दर्जा थेले ये चिनोमी गुहा को दिया गया, इसी प्रकार गुजराती का कन्नड़ हो गया, कोंकणी हो गया, ये सभी जो अवार्ड दिए गए हैं साहित्य एकेडमी अवार्ड 2019 के हैं। इसी प्रकार साहित्य एकेडमी अवार्ड 2020 की बात करूं तो ये सभी अलग अलग लैंग्वेज में देख सकते हो। अंग्रेजी का साहित्य एकेडमी अवार्ड 2020 दिया गया वैन गॉड इज ए ट्रेवलर, जो पोइट्री है अरुंधति सुब्रमण्यम की। तो अंग्रेजी का स्पेशली हिंदी इन दोनों का तो याद रखना ही रखना है, बाकी सभी भाषाओं में वैसे साहित्य एकेडमी अवार्ड हैं ये दिया जाता है। तो टोटल 24 भाषाएं हैं, जैसे कि 22 तो अपने संविधान में हैं और 2 अंग्रेजी हो गया और साथ ही साथ राजस्थानी, 24 भाषाओं का याद रख सकते हो। साहित्य एकेडमी अवार्ड में स्पेशली जो इंपॉर्टेंट हो जाता है अंग्रेजी का है, गुजराती का बनारस डायरी जो पोइट्री है हरीश मीनाक्षी को दिया गया है, हिंदी का टोकरी में ये दिगंत और देर घट्टा पोइट्री है अनामिका को मिला है, कन्नड़ का इस प्रकार श्री बाहुबली को दिया गया है, असमिया को है, ये नाम याद रखिए किनको मिला है, अपूर्वा कुमार शैकिया को, संस्कृत का है महेश चंद्र शर्मा गौतम को दिया गया है, तमिल की बात करें तो इमायम को दिया गया है, तेलुगु का है ये निखिलेश्वर को दिया गया है, उर्दू का हुसैन उलहक को दिया गया है। ये जो आपके साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए जाते हैं तो भारतीय जो संविधान के 8वें अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं साथ ही साथ राजस्थानी और अंग्रेजी में टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। पहली बार ये पुरस्कार की शुरुआत 1955 में की गई थी। अंतिम सवाल देखिएगा, भारत में 51वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये 10 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स से हैं, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ये 5वां टाइगर रिजर्व रहेगा और इंडिया का ये 51वां टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु के विरुधुनगर और मदुरै जिले के मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साथ ही साथ श्री विल्लीपुथर ग्रिजार्ड स्क्रुएल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में ये बनेगा, कौन सा 51वां टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु राज्य में। तो टोटल वैसे क्वेश्चंस तो अभी भी पेंडिंग है, 100 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 600 क्वेश्चंस की एक तरीके से सीरीज हो जाती है। तो पेंडिंग क्वेश्चंस में कल वाले वीडियो में कंप्लीट करके आपको PDF फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसको आप रिवाइज कर देना और अपडेट हो जाना, ये सभी जो भी करंट अफेयर्स हैं आने वाले एग्जाम में काफ़ी आपको फायदा देने वाले हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो न्यू है कैंडिडेट चैनल पर अभी तक पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए एंड करना, धन्यवाद।